हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि आज रॉक का एपिसोड खत्म हो चुका है, वहीं आज के एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर का कहर शील्ड के दो मेंबर पर दिखाई दिया। वहीं ड्रू मैकइंटायर ने जब रोमन रेंस पर अटैक करा, उसके बाद वहां मेडिकल टीम आई थी। ऐसा क्या हुआ जो मेडिकल टीम को वहां आना पड़ा, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि आज के रॉक की ओपनिंग शील्ड के प्रोमो से हुई थी, जिसके बाद दिखाया गया कि आज रोमन रेंस का मैच बैरन कॉर्बिन के साथ होगा। मैच का टाइम आया, रोमन रेंस ने एंट्री करी, बट किसी को आइडिया नहीं था कि ड्रू मैकइंटायर पीछे से आके रोमन रेंस पर अटैक कर देंगे, जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस को बुरी तरह मारा। रोमन रेंस ने पलटवार करने की कोशिश करी, बट शायद ड्रू मैकइंटायर के किसी मूव से उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस को मौका भी नहीं दिया पलटवार करने का, और तबीयत से ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस को मारा। तभी रेफरी वगैरह वहां आए और मेडिकल टीम भी वहां पहुंची थी और सेथ रॉलिंस भी वहां आए थे, जिसके बाद मेडिकल टीम रोमन रेंस की आंख को चेक कर रहे थे। जिसके बाद अगर आपने गौर करा हो तो रोमन रेंस की सीधी आंख में थोड़ी स्वेलिंग थी, जिसके बाद WWE ने तो ऑफिशियल इस पे अभी तक कुछ अपडेट नहीं दिया है, बट बैक स्टेज दिखाया गया था कि रोमन रेंस अपना चेकअप कराने गए हैं। वहीं काफी हद तक लग रहा है कि रोमन रेंस की आंख में ड्रू मैकइंटायर का कोई गलत मूव लगा है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई है। वहीं आंख में आई चोट धीरे धीरे बढ़ती है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने बैकी लिंच और मुस्तफा अली की आंख का देखा था, धीरे धीरे इनकी चोट काफी बढ़ गई थी और मुस्तफा अली की आंख तो काफी ज्यादा हॉरेबल लग रही थी। वहीं आई होप रोमन रेंस ठीक हो, टाइम पर उन्हें ट्रीटमेंट मिल गया होगा। वहीं देखते हैं कि WWE इस पे कोई अपडेट देती भी है या नहीं। वहीं आज की वीडियो पे आप में से काफी के कमेंट आए कि भाई रोमन रेंस का WrestleMania 35 में अपोनेंट कौन होगा। तो आप सभी को बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने रोमन रेंस के अपोनेंट पर अपडेट दी थी कि कौन उनका अपोनेंट हो सकता है WrestleMania 35 में, बट उस टाइम कुछ भी फाइनल नहीं था। बट आज जो कुछ भी रॉ पर हमें देखने को मिला है, उसके बाद लग रहा है कि रोमन रेंस WrestleMania 35 में 1-on-1 मैच में स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर के साथ लड़ सकते हैं। वैसे रोमन रेंस के लिए बैरन कॉर्बिन से बेहतर अपोनेंट ड्रू मैकइंटायर होंगे। पिछले काफी टाइम से ड्रू मैकइंटायर ने अपने आप को प्रूव करा है WWE में और वो डिजर्व करते हैं एक बेहतरीन मैच WrestleMania 35 में। वहीं अभी तक ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस टैग टीम मैच में तो आमने सामने आए हैं, बट अभी तक ये दोनों सिंगल मैच में एक दूसरे से नहीं बढ़े हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से सिंगल मैच में बढ़ते हैं, वो भी WrestleMania 35 में, तो आई होप फैंस उस मैच को काफी ज्यादा पसंद करने वाले हैं। वहीं रॉ के पिछले कुछ एपिसोड में डीन एम्ब्रोस और ड्रू मैकइंटायर के बीच भी कुछ ना कुछ होता दिख रहा है। आज भी ड्रू मैकइंटायर का मैच डीन एम्ब्रोस के खिलाफ दिखा, जिसके बाद क्वेश्चन अभी ये भी है कि रोमन रेंस सिंगल मैच में उतरेंगे या डीन एम्ब्रोस के साथ टीम बना के ड्रू मैकइंटायर और बैरन कॉर्बिन के खिलाफ। खैर, चांसेस सबसे ज्यादा रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के ही लग रहे हैं। वैसे अब WrestleMania 35 में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ दिन में ये बात भी साफ हो ही जाएगी। तो फ्रेंड, ये था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो सोच क्या रहे हो यार, लाइक करो, शेयर करो और इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लेम और मार्कर चैनल सब्सक्राइब करिए। मगर प्यार से, थैंक यू।